मेरे प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है। और आज हम लोग एक बेहतरीन वीडियो सीरीज जो लेकर चल रहे हैं 700 क्वेश्चन का, उसका आज हम लोग सेट टू देखने वाले हैं, सेट दो, ठीक है। और 700 क्वेश्चन यानी आपके जो इस 700 क्वेश्चन में है क्या, ठीक है। तो ये स्पेशली वीडियो किन के लिए है, तो स्पेशली ये वीडियो SCGD LDCE एंड कह सकते हैं कि SIGD LDCE CRPF के जवानों के लिए है जो SCGD के एग्जाम देने वाले हैं 12 दिसंबर 2021, ठीक। ये 700 जो क्वेश्चन है आपके, ये डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है जिसे आप लोग प्रोफेशनल नॉलेज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो 700 क्वेश्चन है, इसमें हम दो तरह के जो कह सकते हैं कि सेगमेंट है उसको हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि पहला वेपन, तो वेपन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस सीरीज में। और इसके अलावा जो CRPF का GK है, यानी CRPF का जो सामान्य ज्ञान है, उनके प्रश्न को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम सीरीज के इस 700 सीरीज के सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट वीडियो को आपने इतना ज्यादा प्यार दिया, उसी तरीके से इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और प्यार देंगे। और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। और हम लोग आज क्लास शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर आपके लिए दूंगा और उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट देना है। आपको हम 30 सेकेंड देंगे, 30 सेकेंड आपका वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेट टू के प्रश्न पर डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपके लिए प्रश्न है कि गार्ड से ड्यूटी NCO का फासला कदम में कितना होता है। आपको बताना है गार्ड से ड्यूटी NCO का फासला कदम में कितना होता है, कदम में बताना है आपको, ठीक है। तो मैं 30 सेकंड वेट करता हूं, फटाफट आप लोग कमेंट करें और अपने नॉलेज को चेक करें। फटाफट आप लोग कमेंट करें, मैं वेट कर रहा हूं। इस प्रश्न के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका हम खुद जवाब दे देते हैं, ठीक है। और इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग सेट टू की तरफ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12 कदम, ठीक है। सपोज दैट हम करते हैं कि यहां पर एक मैं संतरी बनाता हूं, यानी गार्ड बना देता हूं, ये क्या है, हमारा गार्ड है, खड़ा है, ठीक है। ठीक, ये हमारा गार्ड खड़ा है, ठीक, कहां पर, क्वार्टर गार्ड में, ठीक है। ये गार्ड हो गया, गार्ड यहां पे खड़ा है, यहां से लेकर यहां आएंगे कौन, ड्यूटी SO, ठीक है।
तो इस जगह से लेकर जो ड्यूटी एसओ है, ठीक, यहां यहां पर ड्यूटी एसओ खड़े, तो इस जगह से लेकर, और यहां गार्ड यहां पर खड़े हैं, इस जगह से लेकर जो फासला होता है वो होता है 6 कदम का, ठीक। और यहां पे हम बना देते हैं ड्यूटी एनसीओ, ठीक है। और ड्यूटी एनसीओ से लेकर, सॉरी, ड्यूटी एसओ से लेकर ड्यूटी एनसीओ तक जो कदम होते हैं डिस्टेंस, वो भी 6 कदम होता है, ठीक। यानी गार्ड से ड्यूटी एसओ 6 कदम और ड्यूटी एसओ से ड्यूटी एनसीओ 6 कदम। अगर सवाल हम पूछें कि गार्ड से, तो क्या हो गया, गार्ड से ड्यूटी एनसीओ का फासला कितना हो गया, 12 कदम। यही प्रश्न आपका था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। कई लोगों को कंफ्यूजन था शायद फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। कई लोग 6 कदम बता रहे थे गार्ड से ड्यूटी एनसीओ का फासला, इसलिए हमने इस प्रश्न को स्टार्टिंग में लिया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया। यहां से 3 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पहला, गार्ड से, यहां पर मैं 3 प्रश्न लिखता हूं आपको। अगर यहां से प्रश्न पूछते हैं तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, गार्ड से ड्यूटी एसओ का फासला कदम में बताना है, तो 6 कदम। दूसरा, गार्ड से ड्यूटी एनसीओ, एनसीओ का फासला 12 कदम। और तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि ड्यूटी एसओ से ड्यूटी एनसीओ का फासला ये होगा 6 कदम, ठीक है। तो यहां पे 3 प्रश्न पूछते, तीन तीन तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगर फासले की बात की जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको पसंद आ गया होगा और समझ भी आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। और प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कि आपके लिए एससीजीडी का, एलडीसी का टोटल एग्जाम के द्वारा फुल कोर्स चलाया जा रहा है, और जो ज्वाइन करना चाहते हो फटाफट क्या करना है, उनको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहां लिखना है टोटल एग्जाम, सर्च करना, ये एप्लीकेशन का लोगो है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और जाना है आपको पैड कोर्स के अंदर, पैड में जाना है आपको ऑल कोर्स के अंदर और कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और कोई किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें 888-277-555-63 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ये फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। फुल कोर्स में है क्या, फुल कोर्स में आपके ऑल सब्जेक्ट जितने आप एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके वीडियोस हैं और उनके नोट्स हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, उसके बाद आपके ग्रामर के नोट्स हैं, यानी हर चीज है, एवरीथिंग है यहाँ पे जो आपके एग्जाम के लिए चाहिए। तो अब फटाफट आपको ज्वाइन कहाँ करना है, फुल कोर्स में, और इसका बेनिफिट आपको लेना है। अब हम चलेंगे अपने प्रश्न की तरफ और पहले प्रश्न को हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न है, केरिकू बल एक्ट कब से लागू हुआ, केरिकू बल एक्ट कब से लागू हुआ। तो देखिए, जो कह सकते हैं कि सीआरपीएफ एक्ट है, 28 दिसंबर 1949 को क्या हुआ कि गवर्नर की स्वीकृति मिली, स्वीकृति मिली, ठीक है। और फिर पुनः 30 दिसंबर 1949 को ये एक्ट जो है लागू हो गया।
अगर प्रश्न में सिर्फ ईयर देता है तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1949। अगर प्रश्न में पूरा डेट देता है तो आपको लिखना है 30 दिसंबर 1949। ठीक है, अगला प्रश्न है, सक्रिय ड्यूटी कैरियपूबल अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत आता है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको सक्रिय ड्यूटी समझना है कि ये सक्रिय ड्यूटी होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सक्रिय ड्यूटी क्या होता है, कहीं उपद्रव हो गया, ठीक, कहीं उपद्रव हो गया और ऐसी स्थिति में यानी उपद्रव की स्थिति में, ठीक है, वहां पर पुनः कानून व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ये सक्रिय ड्यूटी में आता है। ठीक है, और ये सक्रिय ड्यूटी आपके केरी पूबल यानी सीआरपीएफ एक्ट 2 में आता है। कितने में आता है? 2 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 यानी बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, केरी पूबल अधिनियम 1949 के एक्ट 9 में क्या है, यानी आपसे पूछा जा रहा है सीआरपीएफ एक्ट 9 में क्या है। ठीक है, अधिक जघन्य अपराध है या फिर छोटे दंड है या फिर कम जघन्य अपराध है या सामूहिक जुर्माना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिक जघन्य अपराध, अधिक जघन्य अपराध। ठीक है, उसके बाद ये जो छोटे दंड है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जब छोटे दंड के प्रश्न आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। कम जघन्य अपराध क्या होता है? कम जघन्य अपराध, कम जघन्य अपराध, कम जघन्य अपराध ये होता क्या है? देखिए जो आपके ऑप्शन सी में है, ठीक है, जैसे दारू पी लिया आपने, दारू पीना, ठीक है, साथियों से झगड़ा करना यानी अपने साथियों से झगड़ा करना, ठीक है, आदेश का पालन ना करना, ये सब कम जघन्य अपराध में आता है। ठीक है, और ये किस में आता है? कम जघन्य अपराध कैरी पूबल के जो एक्ट हैं, यहां पे मैं लिखता हूं, एक्ट 10 में आता है। ये कितने में आता है? एक्ट 10 में आता है। ठीक है, और छोटे दंड के बारे में भी मैं बताऊंगा। अब सामूहिक जुर्माना के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सामूहिक जुर्माना क्या है? तो देखिए सामूहिक जुर्माना इसमें होता क्या है, सपोज दैट आप किसी पार्टी में हैं, यानी किसी कोई पार्टी है, जो पार्टी ये कह सकते हैं कि वेपन आमनेशन एक्सप्लोसिव ये लेकर कहीं एक जगह से ये कहीं दूसरे जगह जा रहा है, ठीक, ट्रेन से जाए या बस से जाए, ठीक, और इस दौरान क्या होता है, ये वेपन आमनेशन एक्सप्लोसिव खो जाता है। तो खोने के बाद जो जुर्माना लगाया जाएगा, इस पार्टी के अंदर अगर 15 जवान हैं या 15 लोग हैं तो इसका जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट 15 15 पे लागू होगा, यानी 15 को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है कि घटना आपको ज्यादातर ट्रेन में देखने को मिलता है ना, कि वेपन गुम हो गया या फिर अमनेशन छूट गया है ना या एक्सप्लोसिव छूट गया, ऐसे सारी चीजें, तो इसे ही बोलते हैं सामूहिक जुर्माना। ठीक, और ये सामूहिक जुर्माना सीआरपीएफ के जो एक्ट हैं 14 में आता है।
अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सामूहिक जुर्माना या कैरी पीपल एक्ट किस में है, तो आपका जवाब होना चाहिए 14 में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल का गठन किस एक्ट के अंतर्गत आता है? बल का गठन किस एक्ट के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्ट ऑप्शन बी, एक्ट 3। ठीक है, अगला प्रश्न है छोटे दंड। अभी हम बात कर रहे थे, अभी छोटे दंड ऑप्शन आ गया, इसलिए वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया, यहां पे हम लोग करेंगे। छोटे दंड कैरी पीपल अधिनियम 1949 के किस धारा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा एक्ट 11। तो छोटे दंड किसमें आता है? 11 में। अब ये छोटे दंड है क्या? तो छोटे दंड में आता है, छोटे दंड में विद्रोह करना, षड्यंत्र रचना, अपने सीनियर अधिकारियों पर हमला करना, उसके बाद शस्त्र धारी लोगों से कम्युनिकेशन करना या मेल मिलाप करना, मेल मिलाप करना या उनसे संबंध रखना। ये शस्त्रधारी हैं कौन? तो ये शस्त्रधारी हैं देश के खिलाफ जो लोग शस्त्र उठा लेते हैं, ठीक, वो शस्त्रधारी कहलाते हैं। और ऐसे लोगों से संबंध रखना आपका, और मेल मिलाप करना, ये सारे छोटे दंड में आते हैं, विद्रोह करना वगैरह। ठीक है, अगला प्रश्न है भर्ती किए जाने के लिए स्तर मान के रिपोर्ट नियम 1955 के किस नियम के तहत आता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नियम 11। ठीक, अभी हमने बात किया था 11 के बारे में, अभी कंफ्यूजन नहीं होना है। ये एक्ट था, एक्ट 11 था, और यहां पे जो ये है, ये रूल 11 है। ठीक है, तो कंफ्यूजन पैदा नहीं करना, एक्ट और रूल में अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बहुविवाह। ठीक है, बहुविवाह केरी पुबन नियम, यानी अभी हम रूल पढ़ रहे हैं, एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ये रूल का क्वेश्चन है, एक्ट का नहीं है, 1945। ठीक, के किस नियम के तहत आता है? ठीक है, तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा नियम 15। तो बहुविवाह किसमें आता है? नियम 15 में। और ये बहुविवाह है क्या? तो देखिए, आपने मान लिया जाए आपने शादी कर लिया, ठीक है, और आपकी जो पत्नी है वो जीवित है, क्या है? जीवित है। तो जीवित पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना, ठीक है, ये बहुविवाह, यानी एक शादी से ज्यादा, यानी दो शादी करना, तीन शादी करना, ये क्या कहलाता है? बहुविवाह कहलाता है। ठीक है, और ये नियम क्या है? नियम 14 में, यानी 15 में नहीं, नियम 15 में इसका उल्लेख है। ठीक है, भले ही आपका कानून आपको इजाजत देता हो, भले ही कानून आपको इजाजत देता हो कि भाई अब तुम तीन शादी कर लो या चार शादी कर लो, आपका कानून इजाजत दे रहा, बट अगर आप फोर्स के मेंबर हैं तो यहां पे ये नहीं चलेगा। ठीक, आप पे ये नियम 15, नियम 15 लागू होगा। जैसे मुस्लिम है तो इनमें क्या है कि एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्ज के मेंबर हैं, केरी पुबल यानी सीआरपीएफ के मेंबर हैं, तो ये रूल आप एक से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ये जो नियम 15 है ये आप पे लागू होगा। आपको कानून
इजाजत दे रहा है कि एक से ज्यादा कर सकते हो, फिर भी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है? ये क्या है? रूल, सीआरपीएफ के रूल 15 में है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। केरी पुवल नियम 1955 के नियम 15 में क्या है? तो जस्ट अभी हमने बताया बहुविभाग, ठीक, इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने घुमाकर दो बार इनको रिपीट करवाया। सत्यापन केरी पुवल नियम 1955 के किस नियम में है? सत्यापन किसमें है? सत्यापन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नियम 14, नियम 14, ठीक। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सीआरपीएफ नियम 1955 के किस नियम में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नियम यानी रूल 12, रूल 12 में आता है, हेल्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट लेटर। अगला है केरी पुबल नियम 1955 के नियम 6 में क्या है? केरी पुबल नियम 1955 के नियम 6 में क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बल के सदस्य। ये बल के सदस्य क्या होते हैं? ये नियम 6 में, यानी रूल 6, रूल 6। और अगर प्रश्न आपसे, एक प्रश्न पूछा जाता है कि सीआरपीएफ रूल कब लागू हुआ, तो 1955, 1955 कब से चिल्ला रहा हूं, तो आपको 1955 ही मारना है, ठीक। और अगर एक्ट बोलता है तो 1949, अगर डेट आ गया इसमें एग्जैक्ट डेट, तो 30 दिसंबर 1949, ठीक है। तो बल के सदस्य होता क्या है? तो देखिए, जो आपके अनुचर होते हैं, अनुचर, अनुचर से लेकर कमांडेंट तक, ये सभी क्या है? बल के सदस्य, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि बल में शामिल शामिल सभी लोग क्या कहलाते हैं? बल के सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है केरी पुवल नियम 1955 यानी रूल 1955 के नियम रूल 16 में क्या है? 15 में क्या था? बहुविवाह। 16 में क्या है? तो 16 में करेक्ट आंसर है सेवा अवधि, यानी सेवा काल भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सेवा काल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए, तो सेवा अवधि होता है, आप भर्ती होते हैं, यानी आपका जब रिक्रूटमेंट होता है, तो आप की भर्ती होती है मात्र 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक। और जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं आपके, यानी जो ऑफिसर आपको रिक्रूट किया, ठीक है, भर्ती किया, वो चाहे तो आपको 1 मंथ का नोटिस देकर आपको सेवा मुक्त कर सकता है, सेवा मुक्त कर सकता है, ठीक है, यानी नौकरी से निकाल के घर भेज सकता है, ठीक है, समझ गए? कौन? तो जो आपके रिक्रूटमेंट ऑफिसर है, ये अस्थाई कब होता है? 3 साल के बाद, ठीक है, 3 साल के बाद आपकी नौकरी अस्थाई होती है। उसमें भी आपको देखा जाता है क्या आप अस्थाई के लायक हैं या नहीं है। अगर अस्थाई के लायक नहीं है तो आपको कर दिया जाएगा अर्ध अस्थाई, ठीक है। अगला प्रश्न है सेवा मुक्ति केरी पुवल नियम 1955 के किस नियम के तहत है सेवा मुक्ति? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नियम यानी रूल 17, सेवा मुक्ति, यानी सर्विस से आप जाना चाहते हैं, सर्विस छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, घर जाना चाहते हैं छोड़ के नौकरी, तो इसकी पूरी डिटेल कहाँ है? रूल 17 आपको पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब किस कंडीशन में आते हैं आप, किस तरीके से आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दंड देने की प्रक्रिया के रिमूवल नियम 1955 के किस नियम में दंड देने की प्रक्रिया, दंड देने की प्रक्रिया, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये को नहीं होगा। ठीक है, को में कुछ और ही है, आगे हम लोग बात करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, रूल 27। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट दंड देने की प्रक्रिया, जो आपके आप कह सकते हैं कि पॉइंट है या फिर टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट है कि यहां से आपके लगभग लगभग 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, सिर्फ दंड देने की प्रक्रिया से, तो हम इस पर थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने ब्लैंक लिया है और इसमें हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो दंड देने की प्रक्रिया में क्या है, जैसे बर्खास्त करना या फिर फोर्स से निकालना, ठीक है, या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट। ठीक है, तो बर्खास्त, फोर्स से निकालने, कंपल्सरी रिटायरमेंट, किस रैंकों को कौन कर सकता है, ये पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इंस्पेक्टर, ठीक, यहां से आप समझ लेना इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक। ठीक है, और एसआई यानी सब उप निरीक्षक कहिए या सब इंस्पेक्टर कहिए। ठीक, इन दोनों को बर्खास्त, फोर्स से निकालना या कंपलसरी रिटायरमेंट कौन भेज सकता है, तो डीआईजी। ठीक है, चाहे बर्खास्त करना हो या फिर फोर्स से निकालना हो या फिर कह सकते हैं कंपलसरी रिटायरमेंट भेजना हो, तो कौन कर सकता है, डीआईजी। किनको, इंस्पेक्टर और एसआई को। अब हम बात करते हैं एससी यानी हेड कांस्टेबल यानी मुख्य आरक्षी यानी हवलदार, और सीटी यानी कांस्टेबल यानी सिपाही। ठीक है, इसको कौन कर सकता है, तो इसको कर सकता है सीओ। सीओ आप सभी को पता होगा कि कमांडेंट को बोलते हैं। ठीक है, और क्या कर सकता है, यही सारी चीजें, ये सारी चीजें यानी बर्खास्त, फोर्स से निकालना या कंपल्सरी रिटायरमेंट, अगर हेड कांस्टेबल को करना हो, फोर्स से निकालना हो या बर्खास्त करना हो, तो कौन करेगा, सीओ यानी कमांडेंट। ठीक है, लेकिन अगर इंस्पेक्टर और एसआई को करना हो तो कौन करेंगे, डीआईजी। ठीक है, और कब करेंगे, तो डीई के बाद, डीई के बाद, यानी डीई क्या होता है, तो आपके जो विभाग में एक जांच कमिटी का गठन होता है, वो जांच करती है। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, विभागीय जांच के बाद ये कर कि उन्हें बर्खास्त करना है, फोर्स निकालना है या कंपलसरी रिटायरमेंट भेजना है, जो भी है आपके विभागीय जांच के बाद ये डिसीजन लेंगे इंस्पेक्टर एसआई डीआईजी करेंगे उसे, और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को कमांडेंट करेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट और, ये तो ठीक है, इसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं यहां पे, सेकेंड पॉइंट, अगर जुर्माना लगाना हो, ठीक है, तो जुर्माना का भी सेम कंडीशन है कि इंस्पेक्टर एसआई को डीआईजी करेंगे, एससी और सीटी को कमांडेंट करेंगे, जो एक माह के वेतन से अधिक ना हो। ठीक है, तो जुर्माना भी सेम। अब अगर यहां से प्रश्न पूछता है, देखिए यहीं पे 5-6 प्रश्न निकल गए कि इंस्पेक्टर को
कौन बर्खास्त कर सकता है? तो डीआईजी सब इंस्पेक्टर को कौन बर्खास्त कर सकता है? डीआईजी। इंस्पेक्टर को कंपलसरी रिटायरमेंट कौन भेज सकता है? डीआईजी। एसआई को यानी सब इंस्पेक्टर को कंपलसरी रिटायरमेंट कौन भेज सकता है? डीआईजी। चार प्रश्न ऐसे हो गए, कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ ले हैं। उसके बाद हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल को कौन बर्खास्त कर सकता है या फोर्स से निकाल सकता है? तो कमांडेंट, ठीक है। और जुर्माना अगर कहा जाए कि इंस्पेक्टर पर कौन जुर्माना लगा सकता है, तो डीआईजी। कांस्टेबल पर कौन जुर्माना लगा सकता है? कमांडेंट। हेड कांस्टेबल पर कौन जुर्माना लगा सकता है? कमांडेंट। सब इंस्पेक्टर पे कौन जुर्माना लगा सकता है? तो एसआई। तो बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रुका हुआ हूं और थोड़ा सा ज्यादा हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर गार्ड की सजा, ठीक है। तो देखिए, किस कंडीशन में 7 दिन, 7 दिन से अधिक और 28 दिन से कम हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में इंस्पेक्टर, एसआई और हेड कांस्टेबल, इस पर ये लागू नहीं होता है, लागू नहीं है। फिर लागू किस पे है? तो लागू है सीटी पर, यानी कांस्टेबल पर, यानी सिपाही पर, ठीक है। तो लागू है तो कौन दे सकता है? तो दे सकता है सीओ यानी कमांडेंट। कब? डीई के बाद। कब? विभागीय जांच के बाद, ठीक है। डीई के बाद यानी विभागीय जांच के बाद, ठीक है। चौथा पॉइंट, जैसे वेतन, वेतन वृद्धि रोकना कौन रोक सकता है, ठीक है। वेतन वृद्धि कौन रोक सकता है? तो सेम फर्स्ट वाला पॉइंट, इंस्पेक्टर और एसआई का डीआईजी रोक सकता है, और एससी और सीटी इनका कौन रोक सकता है? सीओ रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा, घोर निंदा या घोर निंदा, निंदा या घोर निंदा, ठीक है, यानी सेंसर या सीवियरली सेंसर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सेंसर या सीवियरली सेंसर जो देते हैं इंस्पेक्टर और एसआई को देंगे सीओ यानी कमांडेंट, ठीक है। उसके बाद एससी यानी हेड कांस्टेबल और सीटी को कौन देंगे? एसी, ठीक है, और ओसी। अब हमने एसी और ओसी क्यों लिखा? तो दोनों में फर्क है। एसी यानी असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, और ओसी हो गया, ओसी का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर कमांडिंग। ओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑफिसर कमांडिंग। ये किसी भी रैंक का हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो एसी है वही ओसी होगा, ये जो ओसी है वो एसी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिसर कमांडिंग मतलब ओसी कोई भी रैंक का अधिकारी हो सकता है, ठीक है। डीआईजी भी हो सकता है, सीओ भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, इंस्पेक्टर भी हो सकता है। अब सपोज दैट कोई कंपनी है आपका, ठीक, और उस कंपनी के चार्ज में कोई इंस्पेक्टर है, तो अभी आप बताइए कि आपके ओसी कौन हुए, ऑफिसर कमांडिंग कौन हुए? तो अभी आपके ऑफिसर कमांडिंग हो गया इंस्पेक्टर, कि ऑफिसर कमांडिंग का मतलब हो गया उस कह सकते हैं कि उस ट्रूप्स को कमांड करना, जो ऑफिसर किसी ट्रूप्स को कमांड करता है वो ऑफिसर कमांडिंग हो गया, ये किसी भी रैंक का हो सकता है, ठीक है। और ये हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को क्या कर सेंसर या सिवियरली सेंसर दे सकता है, चाहे वो इंस्पेक्टर का ही नहीं हो, है ना। अगर इंस्पेक्टर भी है
तो वो भी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को सैलरी सेंसर दे सकता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गया होगा एसी और ओसी में क्या फर्क है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वार्टर गार्ड की सजा। तो देखिए, जब 7 दिन से अधिक ना हो, ठीक है, हमने देखा कि 7 दिन से अधिक और 28 दिन से कम, जब ये कंडीशन हो, ठीक है, यानी ये वाला कंडीशन हमने दे दिया, ठीक है, अभी 7 दिन से अधिक ना हो ये वाले कंडीशन हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सेम इंस्पेक्टर एसआई हेड कांस्टेबल इनको लागू क्वार्टर गार्ड की सजा नहीं है। ठीक है, और सीटी को कौन दे सकता है, यानी कांस्टेबल को कौन दे सकता है, तो कांस्टेबल को दे सकता है, दो कंडीशन यहां पे आता है। ठीक, एक तो सीओ दे सकता है यानी कमांडेंट, और दूसरा है अगर आप डिटैचमेंट पर है, डिटैचमेंट पर है, अगर आप डिटैचमेंट पे हैं तो आपको एसी या फिर ओसी यानी आपके जो ऑफिसर कमांडिंग है वो आपको दे सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है लाइन कैद, तो लाइन कैद जो है सेम ना पे लिखते हैं। लाइन कैद, ठीक है, तो इंस्पेक्टर एसआई और हेड कांस्टेबल को इनको क्या है, लागू नहीं है। फिर है कि नहीं लागू, तो उसे ही है, कांस्टेबल को। लाइन कैद, ठीक है, तो वही सेम है कि इसे या तो पहला कंडीशन सीओ दे सकता है और दूसरा अगर डिटैचमेंट पर है तो इनके जो एसी या फिर ओसी जो भी है वो दे सकते हैं। ओसी के क्या ओसी होता है तो मैंने बता ही दिया, किसी भी रैंक के अधिकारी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हो सकता है आपके ओसी, है ना, तो जो आपको कमांड करेंगे आपके ऊपर वो आपके ओसी होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमने अभी तक कराया आपको टोटल 15 क्वेश्चन, ठीक है, और इस वीडियो में कितने क्वेश्चन कराने हमको, 70 क्वेश्चन, 70 में हमने करा दिया 15, बचे 55। ठीक है, यानी इस वीडियो के बाकी क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पर जाना है और आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है। अगर आप बाकी इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ एनालिसिस करते हुए बाकी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, बाकी क्वेश्चन के वीडियो, तो आप फुल कोर्स जरूर ज्वाइन करें। दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, समझ में नहीं आता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर यहाँ पे है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, आप मुझे टेलीग्राम करें, फिर कॉल करें 888-275-63 पर। अब फुल कोर्स में है क्या, तो फुल कोर्स में आपको वीडियोस मिलता है ऑल सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट बोले तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये एक्चुअल में मैथ होता है, ठीक है,
उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज में वेपन प्लस सीआरपीएफ जीके, और प्रोफेशनल नॉलेज के आप फुल कोर्स लेते हैं तो लगभग लगभग आपको 34 से 35 क्लास मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसमें क्या आता है, इसमें होता है आपके 30 नंबर वाला हिंदी और इंग्लिश। तो ये सारे जितने भी हमने आपको सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, लगभग लगभग सारे के वीडियोस आपको मिल जाएंगे डिटेल में और बायलिंगुअल में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर आप नॉन हिंदी हैं या फिर आपको हिंदी नहीं आती सही तरीके से, तो आपके लिए फुल कोर्स बेस्ट, क्या है, बेस्ट, ठीक। उसके बाद क्लास नोट, जो आपको पढ़ाया गया है क्लास में, जो वीडियो में आपने देखा स्क्रीन पे, उसके क्लास नोट्स पीडीएफ में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। उसके बाद आपको मिलेंगे नोट्स जो होंगे पीडीएफ में, ठीक है, और नोट्स में भी बहुत सारे नोट्स हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है, और इस नोट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको मिलता है प्रैक्टिस सीट, टोटल 10 सेट मिलता है, जिसमें 2800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी ग्रामर के नोट्स मिलते हैं, हिंदी ग्रामर, ठीक है, हिंदी ग्रामर के नोट्स मिलते हैं। तो ये सारे चीजें आपको कहां पर मिलता है, फुल कोर्स में, ठीक। और यहीं पे आपको मिलेंगे जो हम आपको 700 के जो आपको हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, इनके भी आपको 700 क्वेश्चन के वीडियो विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, ठीक है, और इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और बाकी जो हमने 15 क्वेश्चन बताया, इसके बाकी क्वेश्चन को देखने के लिए आप फटाफट जाए गूगल प्ले स्टोर में टोटल एग्जाम ऐप का नाम है, उसे इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, पैड कोर्स के अंदर जाके ऑल कोर्स में जाके आप फुल कोर्स को ज्वाइन करें। हम आपको सजेस्ट करेंगे फुल कोर्स ही, ठीक है, क्योंकि इसमें इतने सारा स्टडी मटेरियल है कि अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो 200% गारंटी है कि आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, हम इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। बाकी इसका पूरा कह सकते हैं कि टोटल 70 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके एप्लीकेशन पे है, फटाफट जाइए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए और फिर अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।